आज का राशिफल 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना जरूर करें। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि के जातक को आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके आसपास में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप चुप रहें। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा हो सकता है। जीवन साथी की आपसे फटफट रहेगी, यदि ऐसा हो तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही है तो वह बढ़ेगी, इसलिए आपको उससे सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के जातक के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा से आपने काफी कामों को आसानी से कर पाएंगे। आपको यदि किसी काम में कोई समस्या आ रही है तो वह आपके किसी मित्र की मदद से दूर हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप यदि किसी से कोई बात करें तो बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपकी खुशियों को चार चांद लगेगी, क्योंकि आप अपने कामों को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे। नौकरी में आपके अधिकारी आपके ऊपर जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी नए वाहन के खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सोच समझकर काम करने के लिए रहेगा। सबको बेवजह का तनाव सताएगा। आपकी संतान को नौकरी को लेकर घर से दूर जाना पड़ सकता है, जो आपको समस्या दे सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा है तो उसको आपको उसे पूरा करने के लिए भी समय निकालना होगा। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहने वाला है। आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण परेशान रहेंगे। किसी कारण आपको भाग दौड़ अधिक रहेगा। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आपके किसी पुरानी गलती के लिए आपको पछतावा होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा लाभकारी है। कार्य क्षेत्र में आपका कोई बड़ा निर्णय आपको समस्या देगा, लेकिन आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आप अपने जीवन साथी को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी माताजी आपसे किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकती हैं। आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको व्यवसाय में किसी से कोई सलाह लेना बेहतर रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आप किसी नई संपत्ति को खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से आपको परेशान कर सकता है, तो उसमें किसी जो आपके लिए अच्छा रहेगा आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है तो उसमें भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी माताजी को यदि कोई रोग लंबे समय से सता रहा है तो उनके कष्टों में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों को किसी नए काम को करने के लिए प्रेरित
करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता भरा रहेगा। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आपको अत्यधिक धन को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वह दूर होगी। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। आपको किसी लंबे दूरी की यात्रा कर सकने का मौका मिलेगा। आप किसी से कोई बड़ा लेन देन बहुत ही सोच विचार कर करें। आपको अपनी सेहत को बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में कुछ कामों को लेकर परेशान रहेंगे। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धारा बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने परिजन में किसी सदस्य की फरमाइश कर सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाद से दूर रहने के लिए है। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो आप उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। माता पिता आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आप किसी नए घर मकान दुकान आदि की खरीददारी करने की योजना बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के से आपको धन लाभ मिल सकता है। आप किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें तुरंत सफलता मिलेगी। कोई काम एक साथ लगने से आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। संतान की शिक्षा में यदि कुछ समस्या आ रही है तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढील देने से बचना होगा।